हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसी वर्मा चैप्टर 29 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 14 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट है, कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक गोल्ड न्यूक्लियस को हमें अज्यूम करना है, गोल्ड न्यूक्लियस को, और यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये कंप्लीटली स्फेरिकल शेप में है, लाइक दिस, ठीक है। चलिए, और ऑब्वियस है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, पता है हम लोगों को। तो यहाँ पर कह रहा है, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस जो है, ये रेडियस हम लोग मान रहे हैं आर, ये रेडियस कितना मान रहे हैं स्टूडेंट, 6.9 फर्मी मान रहे हैं। चलिए ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रॉन्स आर प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटोन्स। अब क्या है कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोन्स हैं, तो दो प्रोटोन के बीच में, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता है, क्लियर है। प्रोटोन, दो प्रोटोन के बीच में स्टूडेंट हम लोगों को फोर्स निकालना है, सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। स्टूडेंट लार्जेस्ट सेपरेशन क्या हो सकता है, लार्जेस्ट सेपरेशन हो सकता है जब दोनों प्रोटोन जो है, दो प्रोटोन जिनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन हम लोग निकाल रहे हैं, वो दोनों प्रोटोन एग्जैक्टली इसके सरफेस पर हो, ये जो स्फीयर इसको एज्यूम कर रहे हैं न्यूक्लियस को, इसके सरफेस पे हो, सिर्फ उसी केस में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लार्जेस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इनफैक्ट ये डिस्टेंस स्टूडेंट क्या होगा, ये इसका डायमीटर होगा, आप समझ सकते हैं, जो कि क्या होगा, 2 into रेडियस, रेडियस का डबल हो जाएगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा दो प्रोटॉन के बीच में, क्लियर बात है स्टूडेंट, मतलब दिस विल बिकम 2 into 6.9 फर्मी। चलिए ठीक है, 13.8 फर्मी। तो लार्ज क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अब इस केस में हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों प्रोटोन के बीच में फॉर्मूला हमारे पास होता है K q1 q2 / r2। स्टूडेंट k का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑन प्रोटोन, दोनों प्रोटोन ही है, इसलिए दोनों प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। और दूसरे वाले प्रोटोन पर भी चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹। दोनों के बीच का डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये ऐसा करते हैं, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, रेडियस को कैपिटल आर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, नो ये एक जनरल फॉर्मूला लिखे हैं, जहाँ पे स्मॉलर डिस्टेंस है, यहाँ पर क्लियर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का जो मैक्सिमम लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना था, 13.8। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस फर्मी में दिया हुआ है, आप चूंकि ये जो वैल्यू यूज करते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, वहां पर डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, तभी आप ये इतना डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं, क्लियर बात है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 13 × 10⁻¹ होता है 10⁻¹⁵ मीटर, तो इतना आपका मीटर हो गया, 13.8 × 10⁻¹⁵, इतना डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, क्लियर स्टूडेंट। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम लोग, आपका हो गया 9 × 1.6 × 1.6 = 23.04, ये आपका हो गया 10⁻¹⁹ ऊपर में डिवाइडेड बाय 13.8 को फिर ये करेंगे, 13.8 × 13.8 = 190.44 × 10⁻¹⁰, क्लियर है। चलिए ये 10⁻¹⁰ ऊपर जाएगा, 10⁻+⁰ होगा, मतलब एक 10 बच जाएगा, क्लियर है। तो इसको 230.4 कर देते हैं, 230.4 डिवाइडेड बाई 190.44, 230.4 डिवाइडेड बाई 190.44 इक्वल्स टू 1.21 न्यूटन, ऑब्वियस 1.21 न्यूटन, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर। चलिए
आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और भी चीज पूछ रहा है, व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये दोनों प्रोटॉन जो है एक दूसरे पर इतना वैल्यू का रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये प्रोटॉन भी इसको इतना वैल्यू के फोर्स से इसको पुश कर रहा है, धकेल रहा है अपने से दूर, और ये भी इसको इतना वैल्यू के फोर्स से, तो ये दोनों को तो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाना चाहिए था और बाहर दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। स्टूडेंट इसका रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो फोर्स हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर, जो कि इनफैक्ट आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में ही, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का न्यूक्लियर फोर्स लगता है। एक स्पेशल फोर्स लगता है जिसका वैल्यू इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है, और इनफैक्ट उसी न्यूक्लियर फोर्स के चलते ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बाउंडेड होते हैं। तो यही कारण है कि ये प्रोटॉन जो है ये फ्लाई नहीं हो पाते हैं, यहाँ से दूर नहीं निकल पाते हैं। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा उसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ऑलमोस्ट। टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ इतना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्फीयर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर। स्टूडेंट जब दो इंसुलेटिंग बॉल को हम रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, रबिंग के चलते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्फीयर में जाएगा। क्लियर बात है? जैसे मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं, चलिए ठीक है, दो को रब किए, सपोज कीजिए लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम लोग इसे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्फीयर ट्रांसफर, मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इससे इसमें चला गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यही n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। चलिए ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वन सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद 0.1 न्यूटन का, ऑब्वियस है समझिएगा, ये जो 0.1 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, हालांकि लिखा भी हुआ है इफ दे अट्रैक्ट, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि एक रब करने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चलाया मतलब इसमें एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है घट गया, माइनस हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। इन चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, मान लिया इसका अगर चार्ज Q1 है तो इस पर चार्ज आ जाएगा Ne प्लस चार्ज आएगा, क्लियर है, और इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया बढ़ गया, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके चार्ज को अगर हम Q2 लिखें तो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस Ne, क्लियर है स्टूडेंट। तो ऑब्वियस एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो n का वैल्यू हमें निकालना है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहां पर ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना फोर्स है 0.1 न्यूटन के फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0.1 न्यूटन न्यूटन में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K का वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻¹। चलिए Q1 पे चार्ज कितना होगा Ne, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को समझिए, आप जैसे भी समझिए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पर चार्ज आ जाएगा Ne टोटल चार्ज, तो ये हो गया Ne, Q1 का वैल्यू Ne, Q2 का भी वैल्यू Ne, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, क्लियर है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 1 सेंटीमीटर, आप डायरेक्ट इसको सेंटीमीटर में यूज नहीं कर सकते हैं, मीटर में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 9 × 10⁻¹ वैल्यू को यूज किया है, तो 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 × 10⁻²⁻ मीटर, और ऑब्वियसली इसका स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। नाउ चलिए 0.1 = 9 × 10⁻¹⁹ यहाँ पे e जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है स्टूडेंट, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ e × e स्क्वायर है, e स्क्वायर दिस इज 10⁻⁴ नीचे में, दिस इज 0.1 = 9 × 10⁻¹⁹
यहां से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, चलिए एन स्क्वायर का वैल्यू लिख रहे हैं, एन स्क्वायर का वैल्यू ये इधर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू दिस इज 10 टू द पावर माइनस 38, क्लियर है, 10 टू द पावर माइनस 38 स्क्वायर हटा दिए हैं, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहां से ऑन सॉल्विंग इनका आपका जो फाइनल आंसर जो आता है, इनका फाइनल आंसर वो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 2 × 10 to the power 11 इतना क्या, इतना इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथ्स नॉट फिजिक्स, क्लियर है, बेसिक है मल्टीप्लीकेशन डिविजन। तो लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और तो इसमें था कुछ नहीं पूछा है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, NaCl molecule is bound due to the electric force between sodium and chlorine ions when one electron of sodium is transferred to chlorine। बहुत बेसिक बात है, केमिस्ट्री में पढ़ा है हम लोगों ने, ये जो NaCl molecule की बात कर रहे हैं, ये इनफैक्ट कैसे बना होता है, ये सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन, क्लियर बात है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, वही चीज को लिखा हुआ है, ये कब होता है, जब सोडियम का एक एटम जो है क्लोरीन के एक, ये क्लोरीन के एक एटम में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, सोडियम बहुत बेसिक बात है, 281 क्लोरीन 287 ऑक्टेट पूरा करना है, केमिस्ट्री के टर्म में अगर बात करें तो भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चलाया तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसका 7+1 इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लियर है, दोनों मिलकर अपना बना लिया, चलिए ठीक है, वही बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। नाउ टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन आयंस, अब ये जो आयन बना, ये पॉजिटिव आयन बना, ये नेगेटिव आयन बना, क्लियर है, तो टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन आयंस टू बी 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ये दिया हुआ है 2.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेट द एजम्पशन इफ एनी दैट यू हैव मेड, और अगर आपने इस फोर्स को निकालने में कोई एजम्पशन, अगर आप लोगों ने कोई कोई चीज एज्यूम किया है तो उसे बताना है। चलिए पहले फोर्स निकाल लेते हैं, स्टूडेंट दोनों पे चार्ज देखिए, अगर मान लेते हैं इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, तो ध्यान दीजिएगा ये सोडियम प्लस पे Q1 पे इस पर, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला कम हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, Q1 का वैल्यू इतना होगा प्लस, ध्यान दीजिएगा, क्लियर बात है। चलिए अलग से इसको लिख देते हैं थोड़ा, अगर इस पर Q1 चार्ज आया, इस पर Q2 चार्ज आया, तो Q1 का यहां पर वैल्यू होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, Q2 चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, और चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसलिए नेगेटिव होगा, मतलब -1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब F इक्वल टू KQ1 Q2 / R स्क्वायर फार्मूला से Q1 Q2 का वैल्यू हम लोगों को पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो फाइंड द फोर्स बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नाउ चलिए F इक्वल टू KQ1 Q2 फोर्स निकालना है, K का वैल्यू 9 इनटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये मेरा दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दिस डिस्टेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो इसको क्या करते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं, सब एक ही बात है, इसको आपने डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर किया यहां से न्यूटन, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन अगर मैथमेटिकल स्किल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं अपने कैलकुलेशन को तो यूज नहीं करना है, फाइनल इसका आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं 3.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 3.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा वैल्यू,
क्वेश्चन यहाँ पे आगे और भी कह रहा है कि स्टेट द अजम्पशंस इफ एनी दैट यू हैव मेड। ऑब्वियस है बिल्कुल, यहीं पर नहीं, इनफैक्ट स्टूडेंट आपको बताएं कि जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर ऑलरेडी कुछ चीज को एज्यूम किए हुए रहते हैं हम लोग। जहां पर अब तक मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है इस फॉर्मूला पर बेस्ड, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, जो कि कूलम्स लॉ है। ये कूलम्स लॉ स्टूडेंट इसका कुछ कंडीशन है, पहला ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, सिर्फ पॉइंट चार्ज के केस में ही आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज करने का मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ही ये पॉइंट चार्ज की तरह हम दोनों आयन को एज्यूम कर रहे हैं। कहने का मतलब एक सपोज कीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा सा रॉड है, मान लीजिए इस पर एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, एक बड़ा सा रॉड है ठीक है, और एक दूसरा एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, और इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है इस रॉड पे, तो विश्वास कीजिए ऐसा नहीं है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो हम यहाँ पर दोनों के बीच का फोर्स को के इंटू क्यू इंटू क्यू क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा बल्कि बड़ी है, क्लियर है, पॉइंट चार्ज क्लियर है, तो पॉइंट चार्ज आपका होना चाहिए। तो ये सब बातें हम लोग एज्यूम किए हुए रहते हैं, ऑब्वियस है डिस्टेंस वगैरह जो हम लोग ले रहे हैं तो ये मान के चलते हैं, ये छोटा सा एक पार्टिकल है जस्ट स्फेरिकल शेप में, और उसके सेंटर से हम लोग ये डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये छोटा छोटा बात ऑब्वियसली ये नोन रहता है, ये मान के हम लोग चलते हैं, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 14, find the ratio of the electric and gravitational forces between two protons. Electric और gravitational forces का ratio निकालना है, electric और gravitational forces का ratio दो proton के बीच में, obvious है दो proton के बीच में, दो proton के बीच में electric और gravitational force के बीच में। Student, दो प्रोटोन, प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटोन दिस इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर है, और प्रोटोन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटोन दिस इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, क्लियर है, ये सब कुछ बेसिक बात जो आपको याद रहना चाहिए, बेसिक पैरामीटर्स। चलिए ठीक है, नाउ मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो अब क्या है, दोनों चार्ज के चलते भी एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, F equals to KQ and Q2 by R square, और मास के चलते भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगाएगा, चलिए उसका वैल्यू लिखते हैं KQ1 Q2 by R square से, दिस इज K का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 कितना हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19, और Q2 भी कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, क्लियर है। नाउ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा आपका दिस इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जी का वैल्यू स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, दिस इज M1 हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। अब दोनों क्वेश्चन, दोनों फोर्स का रेशियो हम लोगों से पूछ रहा है, और अगेन जैसा कि हम बताएं कि बहुत से क्वेश्चंस में हम लोग कुछ चीज को एज्यूम करके चलते हैं, यहां भी एक चीज हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों फोर्स का रेशियो हमको तब निकालना है जब प्रोटोन के बीच का सेपरेशन जो है वो मेंटेन है, आर मेंटेन है, तभी तो दोनों फोर्स में हम लोग सेम डिस्टेंस सेम ले लिए हैं, क्लियर बात है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रेशियो निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आपका आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और बहुत इजी है आपका, फिर ये ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ऐसा करते हैं 10 टू दी पावर वो जो टर्म है उसको एक साथ सब कर लेते हैं, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 माइनस 19 माइनस 19, ये आपका हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 29, क्लियर है, और ये नीचे में यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू दिस इज ये आपका हो गया ठीक है ना 10 टू दी पावर माइनस
नहीं, ये तो सब ऐड ही हो जाएगा, सारा माइनस में, 10 to the power -27, 10 to the power -27, 10 to the power -11 मीन्स 10 to the power -65, क्लियर है। और यहाँ से फाइनली इसका जो वैल्यू आता है स्टूडेंट, दिस इज कितना क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1.23 × 10 to the power 36, 1.23 × 10 to the power 36, क्लियर क्वेश्चन, चेक कर लेना है कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती ना हो, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस, सिंपल फिजिक्स के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।